हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्याय। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ए हैंडफुल ऑफ डेट्स बाय तायब साले। ये लेसन जो है जेके बोस 11th क्लास इंग्लिश का 14th लेसन है। इसमें हम जो है पूरा डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट और स्टोरी भी डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका टेक्स्ट स्टार्टिंग से, और जब टेक्स्ट पढ़ेंगे हम लाइन टू लाइन तो आपको पूरा समझ आ जाएगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आपको 11th क्लास में पढ़ने के लिए, अगर 11th क्लास में अच्छा परफॉर्म करना है एग्जाम में, तो आपने जो है टेक्स्ट लाइन टू लाइन पढ़ना है। कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जब आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको पूरी समझ आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैंडफुल ऑफ डेट्स, हैंडफुल क्या होता है? मुट्ठी भर, मुट्ठी भर, जो हाथ में मुट्ठी होती है, मुट्ठी भर के डेट्स मतलब खजूर, जो खजूर होते हैं उनको बोलते हैं डेट्स। ठीक है, तो हैंडफुल ऑफ डेट्स जो है इसका मतलब है हाथ से भरे हुए डेट्स। ये हम पूरा पढ़े, किसने लिखा है? तायब साले ने लिखा है, और इसको जो है लाइन टू लाइन हम अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तायब साले ने जो लिखा है ये हैंडफुल ऑफ डेट्स, ये तायब साले कौन थे? ये स्वीडन के राइटर थे। स्वीडन एक कंट्री है, उधर के राइटर, और अरब राइटर के ये मतलब माने जाते हैं अरब राइटर्स में से एक। ठीक है, और इस स्टोरी में ये क्या बोलते हैं हम पढ़ेंगे, रीडिंग में क्या बोला है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में क्या है? ए यंग बॉय हु लव्स एंड एडमायर्स हिज ग्रैंडफादर, और एक यंग लड़का होता है वो अपने ग्रैंडफादर को, अपने दादू को प्यार करता है और उससे मतलब उससे पसंद करता है। आउट अबाउट सर्टन क्वालिटीज ऑफ हिज ग्रैंडफादर एंड ही डज नॉट लाइक, तो कुछ मतलब उनको, उसको प्यार तो करता है मगर कुछ उसकी क्वालिटी जो अपने ग्रैंडफादर के, अपने दादू की, वो लाइक नहीं करता है। तो रीड द स्टोरी To find out what they are, तो बोलते हैं स्टोरी पढ़ो और ये देखो कि कौन सी क्वालिटीज़ वो अपने ग्रैंड फादर की पसंद नहीं करता है। वो लड़का एक यंग लड़का है, वो अपने ग्रैंड फादर की क्वालिटी तो पसंद करता है कुछ, मगर कुछ नहीं पसंद करता है। बोल रहे हैं पढ़ो और देखो क्या क्वालिटीज़ वो हैं जो वो अपने ग्रैंड फादर के पसंद नहीं करता है, है ना। हम ऐसे भी कुछ हैं, कुछ पसंद करते हैं किसी की क्वालिटीज़, कुछ नहीं करते हैं। हर बंदे की कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ बुरी क्वालिटीज़ होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई मस्ट हैव बीन वेरी यंग एट द टाइम व्हाइल आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली हाउ ओल्ड आई वॉज, आई डू रिमेंबर दैट व्हेन पीपल सॉ मी विद माई ग्रैंड फादर दे वुड पैट मी ऑन द हेड एंड गिव माई चीक अ पिंच, थिंग्स दे डिडेंट डू टू माई ग्रैंड फादर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं नरेटर, नरेटर मतलब जो इस स्टोरी को बोल रहा है, बोल रहा है कि एक मतलब समय था, ठीक है, और मैं क्या था, मैं यंग था, मैं मतलब जवान था, तो मैं ये मतलब मुझे याद नहीं, एग्जैक्टली याद नहीं था मैं कितना मतलब कितनी एज थी मेरी, मगर ये मैं याद ज़रूर करता हूँ कि मैं अपने ग्रैंड फादर के साथ रहता था और लोग मुझे देखते थे अपने ग्रैंड फादर के साथ, ठीक है, अपने ग्रैंड फादर के साथ देखते थे और वो मुझे मतलब पिंच करते थे फेस पे, चीक पे पिंच करते। छोटा बच्चा होता है ना, उसको मतलब वो हमें प्यारा लगता है, हम क्या करते हैं उसको फेस पे पिंच करते हैं ना, फेस पे पिंच करते हैं या फेस को टच करते हैं या सिर पे टच करते हैं। तो इस तरह के मतलब बोल रहा है ये लड़का, ये मतलब नरेटर, ये लड़का जो है ये नरेटर है, तो ये बोल रहा है कि वो लोग मुझे क्या करते थे, पिंच करते थे फेस पे, और वो मुझे जब ग्रैंड फादर के साथ देखते थे, मगर ऐसा वो पिंच जो है वो मतलब ग्रैंड फादर के साथ नहीं करते थे लोग, वो सिर्फ मेरे साथ करते थे, क्योंकि बच्चा वही था, छोटा वही था, प्यारा वही था, तो ग्रैंडफादर के साथ थोड़ी कोई पिंच करता, वो बड़ा बड़े थे ना। द स्ट्रेंज थिंग वॉज दैट आई नेवर यूज टू गो आउट विद माई फादर, रादर इट वॉज माई ग्रैंड फादर हु वुड टेक मी विद हिम वेयर एवर ही वेंट। तो बोलता है अजीब बात तो ये थी, मैं कभी जो है अपने फादर के साथ बाहर नहीं जाता था, अपने बाप के साथ बाहर चक्कर लगाने नहीं जाता था, टहलने नहीं जाता था, वो मेरा सिर्फ अकेला ग्रैंडफादर था, दादू था, जिसके साथ मैं टहलने जाता था, इधर उधर घूमने जाता था। कौन बोलता है? ये लड़का, लड़का कौन है? नरेटर, ये स्टोरी को बोल रहा है, ठीक है। आई किसके लिए है? आई है नरेटर के लिए। नरेटर कौन है? नरेटर है बॉय, वो यंग लड़का, ठीक है, यंग बॉय। समझ आ रही है आपको? ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी, कमेंट में लिखना अगर समझ आ रही है, ठीक है, अभी लिख दो। तो एक्सेप्ट फॉर द मॉर्निंग व्हेन आई वुड गो टू द मास्क टू लर्न द कुरान, उदय में जो जाता था, सुबह तो जाता था, मॉर्निंग में कहाँ पे मास्क, मास्क क्या होता है? मास्क होता है मस्जिद, जो मस्जिद होती है जिसमें मतलब प्रे करते हैं, जिसमें नमाज पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जाता था कुरान पढ़ने, होली कुरान पढ़ने, ये के ओ है, ऐसे क्यू यू होता है ना। द मास्क द रिवर एंड द फील्ड, दीज वर द लैंड मार्क्स इन आवर लाइफ,
यहाँ पे जो है ये नरेटर, ये लड़का बोल रहा है, ये बॉय बोल रहा है कि एक वहाँ पे मास्क थी, एक रिवर था साथ में, और एक फील्ड, फील्ड मतलब खेत। ये तीन चीज़ें जो है ये हमारे मतलब ज़िंदगी में एक अहम चीज़ें थी, लैंडमार्क मतलब अहम चीज़ें थी हमारे ज़िंदगी में, और वहाँ पे मतलब हमारे जगह पे यही मतलब तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। वाइल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ माई एज ग्रैम्बल्ड एट हैविंग टू गो टू द मास्क टू लर्न कुरान, बोल आई यूज टू लव इट। तो यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं, यहाँ पे जो यंग लड़का बोल रहा है कि मेरे साथ जो चिल्ड्रन होते थे, मेरे साथ जो क्लासमेट होते थे, या मेरे हम उम्र जो होते थे, मेरे एज के जो लोग बच्चे होते थे, वो मतलब बड़े वो चिढ़ते थे कि हम कुरान पढ़ने जाएं, होली कुरान पढ़ने जाएं अपने मतलब मस्जिद में, या कहीं मतलब मस्जिद में जाएं या नमाज़ पढ़ें। वो बड़े मतलब इससे जो है कतराते थे, मतलब शिकायत करते थे नहीं जाना है, मतलब सुस्त फील करते थे। मगर बोलता है यहाँ पर नरेटर, मैं इसको बहुत लव करता था, मुझे पसंद होता था कि मैं मस्जिद में जाऊँ, वहाँ पर कुरान पाक पढ़ूँ। द रीज़न वॉज नो डाउट दैट आई वॉज क्विक एट लर्निंग बाई हार्ट, एंड द शेख ऑलवेज आस्क मी टू स्टैंड अप एंड रिसाइट द चैप्टर ऑफ द मर्सीफुल वेन एवर ही हैड विजिटर्स। तो बोलता है ये नरेटर, ये यंग लड़का बोलता है, जब मैं मस्जिद पर जाता था तो वहाँ पर शेख होता था, शेख मतलब जो वहाँ पर पढ़ाता था वहाँ पर मस्जिद पर, वो मुझे बोला करता था ऊपर उठो बेटा और सुनाओ चैप्टर। कोई भी लोग आते थे वहाँ पे मस्जिद में तो वो मेरे को ऊपर उठाते और चैप्टर सुनवाते, बोलते हैं हाँ भाई मतलब इनको चैप्टर इनको सुनाओ, कुरान पाक रिसाइट करो, ठीक है। तो वो मैं जो है रिसाइट करता था, ठीक है। अगर आप देखेंगे मतलब कभी कोई बंदा जब पढ़ा रहा होता है बच्चों को, चाहे मौलवी हो चाहे स्कूल में हो, तो अगर कोई बड़ा बंदा वहाँ पे जाए, उसका मतलब उस जो टीचर का फ्रेंड वहाँ पे जाए, तो वो टीचर जो पढ़ा रहा होता है वो क्या बोलता है, किसी बच्चे को ऊपर उठाता है, जो काबिल सा बच्चा होता है, बोलता है हाँ उठो ऊपर सुनाओ आप आपने क्या पढ़ा, तो क्योंकि उसको इम्प्रेस करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए भी, और उसको अच्छा लगे जो मतलब उस टीचर का फ्रेंड है। तो इसी तरह जो है क्या करता है ये यंग लड़का, बोलता है क्या बोलता है कि अगर मतलब मैं जाता वो मैं ऊपर उठता था और मैं सुनाता था कुरान पाक, मैं उनकी जो चैप्टर्स जो है सुनाता था, ठीक है। हु वुड पैट मी, पैट मतलब थपथपाना, ठीक है, पैट मी ऑन माई हेड एंड चीक जस्ट एज पीपल डिड व्हेन दे सॉ मी विद माई ग्रैंडफादर। तो बोलता है वो विजिटर्स वहाँ पे होते थे जो विजिट करते थे मास्क में, तो वो मेरे को पैट करते, पैट मतलब थपथपाना, जब कोई अच्छा काम करते ना हम थपथपाते हैं ना पीठ पे जो है थपथपाते हैं, तो इसी तरह जो है थपथपाते थे वो जो है विजिटर्स उस लड़के को, जब वो क्या कराता था चैप्टर्स सुनाता था। क्लियर, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। यस आई यूज टू लव द मास्क एंड आई लव द रिवर टू, डायरेक्टली वी फिनिश्ड आवर कुरान रीडिंग इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो यंग लड़का बोलता है, नरेटर बोलता है, मैं मस्जिद से भी प्यार करता था, मोहब्बत करता था, और रिवर जो वहाँ पे दरिया चलता था उससे भी मोहब्बत करता था, वो मुझे अच्छा लगता था, और मैं जो है कुरान कुरान पाक पढ़ना सुबह ही फिनिश कर लेता था, सुबह ही मैं उस कुरान पाक को ख़त्म कर लेता था पढ़ के। आई वुड थ्रो डाउन माई वुडन स्लेट एंड डार्ट ऑफ क्विक एज अ जेनर टू माई एज ए जेनी टू माई मदर, हरिडली स्वैलो डाउन माई ब्रेकफास्ट एंड रन ऑफ फॉर अ प्लंज इन द रिवर। तो यहाँ पे जो नरेटर बोल रहे हैं कि मैं क्या करता था सुबह जल्दी जल्दी, जो क्या करता है वुडन, वुडन मतलब जो स्लेट होती थी वो जो है नीचे रखता था, पढ़ के जो है नीचे रखता था, और फिर जनरल मतलब मैजिकल स्प्रिट, जो मतलब मैजिकल स्प्रिट होती थी उसको जो है वो पढ़ के जो है वो मतलब गेन होता था नॉलेज। तो क्या करता था वो फिर उसके बाद मदर को बोलता था मैंने जो है क्या करना है, ब्रेकफास्ट करना है, और जल्दी जाता था ब्रेकफास्ट जल्दी कर देता था, कौन वो यंग लड़का, ब्रेकफास्ट करके फिर जाता था रिवर में, रिवर साथ में होती थी, उस रिवर में प्लंज मतलब कूदना, उस रिवर में कूदता था, ठीक है, कूदता था वहाँ पे स्विमिंग करता था। व्हेन टायर्ड ऑफ स्विमिंग अबाउट आई वुड सिट ऑन द बैंक एंड गेज एट द स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट वुड अवे ईस्ट वर्ड एंड हिड बिहाइंड अ थिक वुड ऑफ अकाशिया ट्रीज। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं रिवर में स्विमिंग करके जो क्या करता था, रिवर के बैंक पे जाता, बैंक मतलब किनारा, रिवर के बैंक पे जाता था और उसको रिवर को गेज करता था, गेज मतलब प्यार से देखना, बड़े प्यार से उस रिवर को देखता था और उस वाटर को देखता था, ठीक है, जब देखता था, और उस मतलब उस उधर वुड साथ में जो है उस मतलब रिवर के साथ में जंगल भी था, एक फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट में अकाशिया ट्री, अकाशिया मतलब एक किस्म के ट्रीज होते हैं, ठीक है,
ना काशिया ट्रीज को मैं देखता था। कौन बोल रहा है यहाँ पे? यंग बॉय बोलता है, आई लव टू गिव रेन टू माई इमेजिनेशन एंड पिक्चर टू माई सेल्फ अ ट्राइब ऑफ जायंट्स लिविंग बिहाइंड द दैट वुड अ पीपल टॉल एंड थिन विद वाइट बियर्ड एंड श्रब्स नोजिस लाइक माई ग्रैंड फादर। यहाँ पे जो यहाँ पे नरेटर क्या बोल रहे हैं, मैं वहाँ पे क्या करता था, वहाँ पे फॉरेस्ट में देखता था, और जब मैं रेन मतलब उसको अच्छी तरह देखता था, उसको कवर करता था पूरे फॉरेस्ट को, उसमें मेरे ख्याल आता था, मेरा जो इमेजिनेशन है वो बढ़ता था, और मैं देखता था वहाँ पे कुछ लोग जो मतलब भेड़ों को चराने वाले जो होते ना, वो वहाँ पे ट्राइब्स लोग वहाँ पे होते थे, और वो बड़े बड़े लंबे लंबे लोग होते थे, उनकी वाइट बियर्ड होती थी, वाइट बियर्ड मतलब सफ़ेद दाढ़ी होती थी, और मतलब बड़ी 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 नोज होती थी मेरे ग्रैंड फादर की तरह, मतलब वो लोग भी मेरी ग्रैंड फादर की तरह होते थे। बिफोर माई ग्रैंड फादर एवर रिप्लाई टू माई मैनी क्वेश्चन ही वुड रब द टिप ऑफ हिज नोज विद हिज फोर फिंगर एंड एज फॉर हिज बियर्ड इट वॉज सॉफ्ट एंड लग्जरेंट एंड एज वाइट एज कॉटन वूल। नेवर इन माई लाइफ हैव आई सीन एनी थिंग ऑफ अ प्योरर वाइटनेस और ग्रेटर ब्यूटी। तो बोलता है यहाँ पे नरेटर कि जब भी मैं अपने ग्रैंड फादर को कोई सवाल पूछता, कुछ पूछता, वो हमेशा क्या करते थे, नोज़ को रब करते, अपने नोज़ को जो है टच करते, रब करते, रब मतलब मलते थे थोड़ा सा, और उसके बाद आंसर देते थे। कौन? उनके ग्रैंड फादर, उस जो यंग बॉय है, उस जो नरेटर है, उसके ग्रैंड फादर। लग्जरेंट मतलब अच्छी जो उनकी शॉर्ट बहुत अच्छी दाढ़ी थी, अच्छी दाढ़ी थी और अच्छा फेस था उनका, ठीक है, और मतलब बहुत प्योर ब्यूटी दिखती थी उस उनके फेस से, उनके ग्रैंड फादर के फेस से। माई ग्रैंड फादर मस्ट ऑल्सो हैव बीन एक्सट्रीमली टॉल फॉर आई नेवर सा एनी वन इन द होल एरिया एड्रेस हिम विदाउट हैविंग टू लुक अप एट हिम नॉर डिड आई सी हिम एंटर अ हाउस विदाउट हैविंग अ बेंड सो लो एंड आई वॉज पुट इन माइंड एट द वे द रिवर वुड द रिवर वाउंड राउंड बिहाइंड द वुड ऑफ अकाशिया ट्रीज। यहाँ पे जो नरेटर बोल रहे हैं कि मेरे ग्रैंड फादर जो क्या थे, बहुत लंबे थे और मतलब बहुत अच्छे दिखते थे, जब भी वो मतलब कोई उनको आता एड्रेस करने, कोई उनको बोलता, वो उनको पहले उनको अच्छा आराम से देखता, उनको जज करता, फिर उनसे बात करता था मेरे ग्रैंड फादर से। कौन बोलता है? नरेटर बोलता है ना ही वो जब भी वो घर में आते थे और वो मतलब बेंड होकर घर में आते, टॉल थे ना, लंबे थे, तो अपने आप को बेंड करके थोड़े झुक के अंदर होते थे, दरवाजे के अंदर आते थे, और फिर क्या होता था, फिर मतलब मैं जो है वो मतलब मुझे याद आता था वो, जब मैं आकाशीय ट्रीज को देखता था, उन फॉरेस्ट को देखता था, वो सब मुझे जो है याद आता, नरेटर बोल रहे हैं, और बोलता था मेरे माइंड में वही फॉरेस्ट चलता था, वही रिवर जो है चलती रहती थी। आई लव्ड हिम एंड वुड इमेजिन माई सेल्फ व्हेन आई ग्रीव टू बी अ मैन टॉल एंड स्लेंडर लाइक हिम वॉकिंग अलॉन्ग विद ही ग्रेट स्ट्राइड। बोलता है यहाँ पे नरेटर बोलता है, जो यंग बॉय बोलता है मैं अपने आप को ख्याल करता था, मैं खुद ख्याल करता था, इमेजिन करता था कि जब भी मैं वो देखूँगा, जब भी मैं मतलब उन फॉरेस्ट को देखता था, उनको इमेजिन करता था, बाद में सोचता था मैं कब अपने ग्रैंड फादर की तरह इतना लंबा हो जाऊँ और इतने मतलब ऐसे चलूँ जैसे मेरे ग्रैंड फादर चलता था। मतलब उनका रोल मॉडल कौन था? अपना ही ग्रैंड फादर। इनका रोल मॉडल इस यंग बॉय का रोल मॉडल था, जिसकी तरह बनना चाहता है, उनका रोल मॉडल जो है वो कौन था? अपना ही ग्रैंडफादर था, और वो चाहता था कि मैं ग्रैंडफादर की तरह बनूं, वो इमेजिन करता था जब मैं बड़ा बनूंगा मैं ग्रैंडफादर की तरह टॉल बनूंगा, ठीक है, उनकी मतलब उनको जो है इमेजिन करता था, उन चीज़ों को ख्याल करता था कि मैं कैसे बनूंगा, इमेजिनेशन उसकी बढ़ती थी उससे, ठीक है। आई बिलीव आई वॉज हिज फेवरेट ग्रैंड चाइल्ड नो वॉन्डर फॉर माई कजन्स वर अ स्टूपिड बंच एंड आई सो दिस से वॉज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। बोलता था मैं ये यकीन करता था, मैं ये मानता था मैं उनका जो है क्या था, फेवरेट चाइल्ड था। तो यहाँ पर नरेटर और बोल रहा है कि मेरे जो कजन्स थे वो क्या थे, स्टूपिड बेवकूफ तरह के थे लोग, और मैं क्या था, मैं इंटेलिजेंट था, वो समझते थे मैं इंटेलिजेंट हूँ, वो मेरे कजन्स भी समझते थे मैं इंटेलिजेंट हूँ, और मेरे को ग्रैंड फादर से बहुत बनती थी। आई यूज टू नो वैन माई ग्रैंड फादर वॉन्टेड मी टू लॉफ वैन टू बी साइलेंट एंड ऑल्सो I would remember the times for his prayers and would bring him his prayer rug and fill the ever for his ablution without his having to ask me. यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं कि वो याद कर रहे हैं, वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। कौन? वो यंग चाइल्ड जो है मिस कर रहे हैं कि जब वो जो है
बोलता है मैं जानना चाहता था अपने ग्रैंडफादर से, मेरे ग्रैंडफादर मेरे को बोलते थे कब हंसना है कब चुप रहना है, और मैं जो उन टाइम को भी याद करता था जब मेरे ग्रैंडफादर क्या जाते हैं कहाँ जाते थे, वो जाते थे प्रेयर करने नमाज पढ़ने जाते थे, और वहाँ पे वो भी मैं याद कर रहा हूँ, और मैं वो भी याद कर रहा हूँ हिज प्रेयर रग एंड फील द एवर फॉर हिज एवोल्यूशन विदाउट हिज हैविंग टू आस्क मी। वो क्या करते थे एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या होता है वुजू करना, नमाज से पहले हम वुजू करते हैं वो एवोल्यूशन करते थे, और फिर मेरे को बोलते थे फिर मेरे को पूछते, मतलब ये सब जो है वो मिस कर रहा है यहाँ पे नरेटर। ठीक है, जब उसके जो दादू जो है उसके ग्रैंड फादर जो है नमाज पढ़ते थे उनको समझाते थे उन चीज़ों को, सब चीज़ों को जो मिस कर रहा है यहाँ पे नरेटर, जो यंग चाइल्ड है जो यंग लड़का यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं नरेटर कि व्हेन ही हैड नथिंग एल्स टू डू ही एंजॉयड लिसनिंग टू मी रिसाइटिंग टू हिम फ्रॉम द कुरान इन अ लिल्टिंग वॉइस एंड आई कुड टेल फ्रॉम हिज फेस दैट ही वॉज मूड। बोलता है जब मेरे पास, जब उनके पास कुछ नहीं करने के लिए होता था, उनके पास कोई काम नहीं होता था, वो मेरे को बोलते आप कुरान को रिसाइट करो, होली कुरान को रिसाइट करो, मैं रिसाइट रिसाइट मतलब गान जिस तरह गाने गाने को क्या करते हैं गाते हैं, इसी तरह जो होली कुरान को उसको क्या करते हैं रिसाइट करते हैं, उनकी वर्ड्स को रिसाइट करते हैं, रिसाइट करना बोलते हैं हम। ठीक है, तो जिसे तलावत करना बोलते हैं कुरान रिसाइटिंग, तो इस तरह रिसाइट करते थे वो होली कुरान के वर्सेस, और वो सुना करते थे उनके ग्रैंडफादर। और बोलता है यहाँ पे नरेटर मुझे ये लगता था कि मेरा ग्रैंडफादर उससे मतलब मगन हो जाता था, उसी मतलब जो मैं कुरान रिसाइट करता था उसमें ही खो जाता था मेरा ग्रैंडफादर। ये कौन बोल रहा है, ये नरेटर बोल रहे हैं। वन डे आई आस्क्ड हिम अबाउट आवर नेबर मसूद, आई सेड टू माई ग्रैंडफादर आई फैंसी यू डोंट लाइक आवर नेबर मसूद। तो यहाँ पे जो है एक दिन की बात कर रहा है, बोल रहा है नरेटर एक दिन क्या हुआ, मैंने अपने ग्रैंडफादर को पूछा मसूद के बारे में, मसूद कौन था हमारा एक पड़ोसी था एक नेबर था, उसके बारे में पूछा, और मैंने अपने ग्रैंडफादर को ये भी पूछा मैं सोच रहा हूँ कि आप नेबर के बारे में क्या सोच रहे हो, मैं ये चाहता हूँ कि आपसे जानना चाहता हूँ आप नेबर के बारे में क्या सोचते हो। आई फैंसी यू डोंट लाइक अवर नेबर, तो मुझे लगता है कि आप मेरे नेबर को नहीं लाइक करते हो। ये कौन लड़का, ये लड़का बोल रहा है अपने ग्रैंडफादर को कि मैं मुझे लगता है आप हमारे नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी जो मसूद है उसको नहीं लाइक करते हो, उसको पसंद नहीं करते हो। टू विच ही आंसर्ड हैविंग रब्ड द टिप ऑफ हिज नोज ही इज़ एन इंडोलेंट मैन एंड आई डोंट लाइक सच पीपल। ये किसने बोला, ये ग्रैंडफादर ने रिप्लाई दी। ग्रैंडफादर ने क्या बोला उसको, बोला वो क्या है इंडोलेंट, इंडोलेंट मतलब लेजी, वो जो है मसूद जो है उनका नेबर वो क्या है लेजी है, और ऐसे लोगों को जो वो पसंद नहीं करता है। जब उसके ग्रैंडफादर ने आंसर दिया ना, ये ग्रैंडफादर है और ये कौन है, ये वो यंग बॉय है जो ये नरेटर है, कौन है नरेटर, और ये कौन है उनके ग्रैंडफादर। तो ये जो है ये रिप्लाई दे रहे हैं, मतलब ये इनने रिप्लाई दिया किसको, बोला कि मैं मसूद को जो है वो लाइक नहीं करता हूँ, और पहले वो क्या करते थे नोज को जो है रब करते थे, ठीक है हाथ से जो है नोज को रब करते थे फिर आंसर देते थे, फिर इनको आंसर दिया किसको, मतलब इसको आंसर दिया अपने ग्रैंड सन को, ग्रैंड सन कौन था ये नरेटर। आई सेड टू हिम व्हाट्स एन इंडोलेंट मैन, तो ये फिर बोला इसने किसने इसी नरेटर ने पूछा ग्रैंडफादर को इंडोलेंट मैन क्या होता है, इंडोलेंट क्या होता है, इसने बोला ना इंडोलेंट है लेजी है वो कौन मसूद, तो इसने बोला इंडोलेंट क्या होता है, ये किसने पूछा, ये नरेटर ने उसको पूछा, इस यंग बॉय ने उस ग्रैंडफादर को पूछा। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट टू में। ये पार्ट वन था, क्या था पार्ट वन, और पार्ट इसी तरह इस टेक्स्ट का पार्ट टू आएगा, पार्ट टू भी ज़रूर देखना, और पार्ट टू जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वाला। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी इस वीडियो में, इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, और हाँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।